संसद सत्र का आज छठवां दिन है और सत्र की शुरुआत होते ही स्पीकर ने विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिससे विपक्ष ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि इससे पहले कई देशों के नेताओं के निधन पर शोक जताया गया और T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत की बधाई दी गई। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे के बयान पर काफी बवाल देखने को मिला। वहीं खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि RSS की विचारधारा देश के लिए खतरनाक है, जिस पर सभापति जगदीप धनखड़ और JP नड्डा ने कड़ी प्रतिक्रिया यानी कि तीखी प्रतिक्रिया दी है। हमारी शिक्षा प्रणाली पर 10 सालों में BJP RSS के लोगों ने कब्जा कर लिया है। यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, NCERT, CBSE सब में RSS का कब्जा है और अच्छे विचार वालों को वहां पर कोई जगह नहीं है। क्या किसी संस्था का सदस्य होना अपराध है? क्या आप यही कर रहे हैं? आप कब्जे जैसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं, कैसे अलाउ कर सकता हूं? आप कह रहे हैं एक संस्था ने कब्जा कर लिया, बिल्कुल गलत है। मान लो कोई व्यक्ति RSS का सदस्य है तो क्या ये अपने आप में अपराध है? किस बात का क्रिमिनल है? एक संस्था है। सर, आई विश आई कुड बी प्रूव्ड रॉन्ग, बट व्हाट माय इयर्स हर्ड वाज दैट अगले 3.5 साल, इट वाज एन एस्पर्शन ऑन द चेयर, दैट अगले 3 साल आप सच्चाई का साथ देंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस एलिगेशन, दिस कैन नॉट बी टेकन लाइटली। इफ द वर्ड, इफ द सेंटेंस स्पोकन बाय द LOP इज दिस, दैट अगले 3.5 साल आप सच्चाई का साथ देंगे, दिस ऑटोमेटिकली मीन्स दैट देर इज एन एक्सपर्शन दैट फॉर द लास्ट 1.5 years यू हैव बीन नॉट गिविंग ड्यू टू द राइटर्स। मथुरा के कृष्ण